जब हम लोग अमरकंटक जा रहे थे तो सरस्वती के पुत्र कहे जाने वाले मुनि श्री प्रणम्ब सागर जी महाराज, उनको पैर में एक कीचड़ का कांटा घुस गया। कीचड़ का कांटा बहुत सलाता है। चार चीजें दुनिया में बहुत सलाती हैं, खूब। क्या सलाती हैं महाराज? तो माता साले सौत की, क्या माता साले सौत की, जो सौतेली मां होती है बहुत सलाती है, और बघरिया गाम। कुमार के महीने में जो घाम होता है ना, धूप, उससे जंगल में रहने वाले हिरण तक काले पड़ जाते हैं, और सौंच को कांटा साले कीच को, कीचड़ का जो कांटा लगता है वो 3-4-5 दिन तक कीचड़ के साथ बबूल का कांटा गड़ जाए तो 5-7 दिन तक खूब वेदना करता है, ऐसा लगता है कि अंदर पक गया है और ये ठीक नहीं होगा। और सौंच को काम, साझेदारी, पार्टनरशिप पर जितने काम है संसार में बहुत दुख देते हैं। माता साले सौत की और बघरिया गाम, कांटा साले कीच को और सौंच को काम, ये चार चीजें जीवन में हमेशा दुख देती हैं, हमेशा हमेशा दुख दिया है आज तक, तब तो कवियों ने लिख दिया। तो मुनि श्री प्रणम्ब सागर जी महाराज को अमरकंटक आते वक्त जैसे ही वो जंगल में उतरे तो बबूल का इतना बड़ा कांटा पैर में गड़ गया। तो उस कांटे के दर्द को निकालने के लिए गुरुदेव ने कहा कि इनको चटका लगाओ राख का। तो राख को ले लिया, उसमें मिट्टी का तेल डाल दिया, मिट्टी का तेल डाल करके जहां पे दर्द था उस पे पूरी राख लगा दी, और ऊपर से ऐसी माचिस की तीली से उसको जला दिया। अब जलाने पर राख गर्म होती, राख गर्म होती तो जैसे बहुत तेज गर्म हो जाए तो जिसको कोई भी महाराज है, कोई भी व्यक्ति है, वो चिल्लाता है, बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया हो गया, तो उसको दबा दिया, दबा दिया तो उस राख की गर्माहट से अंदर के उस कांटे के दर्द में आराम मिलता है, उसमें अंदर तक सिकाई हो जाती है। ये प्रक्रिया है नेचुरोपैथी की, बंधु करते हैं, हम लोगों को आदत है इस चीज को करने की। तो जब मैं आपको बताता हूं कि जैसे वो मणिमाली मुनि महाराज के सिर के ऊपर अग्नि जल रही थी, मणिमाली मुनि महाराज नहीं हिले, ठीक ऐसे ही वे सरस्वती के पुत्र मुनि श्री प्रणम्ब सागर जी महाराज, उनके पैर में चटका लगाया, चटका लगाया तो वो आग धीरे धीरे लपट के रूप में बढ़ने लगी। प्रणम्ब सागर जी महाराज क्या कहते हैं, तुम क्या सोचते हो, क्या मैं ये अपना पैर हिलाऊंगा, सुनो ये पैर जल भी जाएगा ना, तो प्रणम्ब सागर अपना पैर नहीं हिलाने वाला, समझे, तुमको जो करना है सो करो, ऐसे प्रणम्ब सागर जी महाराज ने बोल दिया। अब ये लगा कि महाराज के पैर में चटका तो लगा दिया है, लेकिन महाराज ने कह दिया है चाहे खाल जल भी जाए प्रणम्ब सागर अपना पैर नहीं हिलाने वाला। तो अतुल सागर जी मुनि महाराज थे उस समय अमरकंटक में, उन्होंने देखा कि थोड़ा समय हो गया है और उनने उसको बंद कर दिया और दबा दिया। जब वो ठीक हो गया 8 दिन बाद तो महाराज जी कहते हैं अगर उस राख से मेरा पूरा पैर जल भी जाता ना तो विश्वास रखो मैं कभी पैर हिलाता नहीं। ऐसे वो महान मुनि महाराज पता नहीं किस पुण्य से इस धरती पर आकर के मुनि के रूप में घूम रहे हैं, अभी जबलपुर में हैं और सुना है इस बार चतुर्मास पनागर में करने वाले हैं। बड़ा सौभाग्य है, बड़ा सौभाग्य है उनका, जो भी उनकी सन्निधि पाता है गद गद और धन्य धन्य हो जाता है।